जैसे लोग काम धाम करते हैं वो तो रिजल्ट के लिए करते हैं, पढ़ाई करता है तो एग्ज़ाम पास करने के लिए करता है, नौकरी करता है तो पैसा कमाने के लिए करता है। तो ये जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये कैसे आम आदमी की लाइफ में लागू हो सकता है? एक कृष्ण भगवान ने गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं, वो श्लोक है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। इसके चार पोर्शन हैं, इसके चार पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो पहले वो बोलते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मतलब कर्म में ही तेरा अधिकार हो। अधिकार का मतलब ये नहीं है कि ये हमारा राइट है और हम इसको करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राइट और ड्यूटी तो एक ही चीज़ के दो पहलू हैं एक सिक्के के। उनका यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो सिर्फ कर्म कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आदमी कुछ भी करना चाहे सिर्फ कर्म कर सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म में आपका अधिकार है, मतलब आप कर्म कर सकते हैं। उन्होंने कई जगह ये भी कहा है कि कर्म के बिना कोई इंसान रह भी नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, कोई जीव नहीं रह सकता, हर व्यक्ति को हर जीव को कर्म करना ही होगा सर्वाइवल के लिए। उसके बाद दूसरा पोर्शन उन्होंने कहा माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। उनका ये मतलब है कि आप कर्म करेंगे, कर्म कैसा होगा उस आधार पे उसका रिजल्ट आएगा। आदमी कुछ भी कर्म करे वो ये सोचता है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाऊंगा, कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करता है मेहनत करता है और सोचता है कि मैं साल भर मेहनत करूंगा और फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाऊंगा, लेकिन उसे ये भी नहीं पता है कि क्या वो परीक्षा दे पाएगा। क्या मालूम उस समय वो बीमार हो जाए, क्या मालूम अभी जैसे आज की सिचुएशन देख लिया जाए लॉकडाउन हो जाए, एग्ज़ाम ही ना हो या परीक्षा हो, एग्ज़ाम के दिन किसी पर्टिकुलर पेपर के दिन वो बीमार हो जाए या उसके घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम ना दे पाए, तो क्या उसने पढ़ाई नहीं करी है? उसने कर्म तो पूरा किया, मेहनत पूरा किया, लेकिन वो मेहनत फर्स्ट डिवीज़न पास होने के अप्रोप्रिएट नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न पास होने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसे करना था, एग्ज़ाम देना था, एग्ज़ामिनर कापी चेक करता, उसको नंबर देता, वो मार्कशीट पर अपलोड होता, उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो। इस तरह से उन्होंने कहा कि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, उनका ये मतलब था। फिर उसके बाद ये आता है कि माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बहुत पहले की बात है, आज की तो बात नहीं है, कि लोग स्कूल में जा कर के अपने बच्चों को नकल कराते थे। नकल कराने का उनका मतलब था कि किसी तरह से हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए, पढ़े चाहे नहीं। लेकिन पढ़े चाहे नहीं पढ़े, फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए तो उस लड़के को विद्या नहीं आएगी। उसके पास सर्टिफिकेट आ जाए, डिग्री आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन विद्या तो नहीं आएगी। इसलिए उनका कहने का मतलब यहाँ है कि कर्म के फल का हेतु मत बनो, कर्म का फल शॉर्टकट से लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि कर्म का फल तभी सही होगा जब सही कर्म होगा। और लास्ट पोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इसको जानते भी हैं। उन्होंने कहा माँ कर फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु अकर्मणि, माँ ते संगोस्तु अकर्मणि, कि तेरी कर्म न करने में संगत न हो जाए। उनका मतलब ये है कि काम से भाग जाना, काम को छोड़ देना, काम नहीं करना, क्योंकि कर्म तो आवश्यक है, कर्म करना ही होगा। उन्होंने कहा कि कर्म न करने में आसक्ति नहीं हो जानी चाहिए, कि तुम एक बहाना बना करके कि कृष्ण भगवान ने, भगवान ने तो सीधा ही कहा है कि हमारे लिए कर्म नहीं है, हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, हम तो सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है। उनका मतलब ये है कर्म करिए और कर्म से भागिए मत, जो भी कर्म है उस कर्म को करिए। फिर बाद में अर्जुन ने उनसे एक आध जगह ये भी पूछा है कि आप कहते हैं कर्म करिए, फिर आप कहते हैं कर्म के फल की चिंता मत करो, कर्म के फल में इंटरेस्ट मत लो, तो बिना इंटरेस्ट के आदमी कैसे करेगा? तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि कोई आदमी ज्ञानी हो, जो आदमी जान जाए किसी भी चीज़ को, तब उसे कर्म करने में कोई असुविधा नहीं होगी, तब वो कर्म करेगा। लेकिन वो कर्म कर रहा है या वो अपने परिणाम के लिए कर्म कर रहा है, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेगा कि ये कर्म उसका नहीं है लेकिन कर्म है, कर्म करना है, कर्म कर रहा है,
क्योंकि उसका कर्म नहीं है, इसलिए उसके परिणाम से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सफलता मिलती है, असफल होता है, इससे उससे कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान खुद अपने लिए ही कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो सके, और ऐसी कोई भी दुनिया में कर्म नहीं है जो मुझे करने की आवश्यकता हो। लेकिन चूँकि विधान हमने बनाया है, विधान भगवान कृष्ण बोलते हैं हमने बनाया है, उनका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक कानून लिख दिया है, उनका मतलब कि प्रकृति में एक नियम है, प्रकृति उस नियम को फॉलो करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आदमी आम का पौधा लगाता है तो उसमें आम के ही फल लगेंगे, उसमें दूसरे किसी वृक्ष के फल नहीं लगेंगे। ये नियति का विधान है, यही उनका कहने का मतलब है। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो भी विधान है उस विधान के अनुसार मैं भी व्यवहार करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ही विधान तोड़ दिया तब तो हर चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। तो इस तरह से हर समय, समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, हर जगह पे एक ऑर्डर होता है, विधान होता है, जिसको लोग धर्म की संज्ञा देते हैं कि यही धर्म है। धर्म का मतलब ये है विधान या नियम कानून, जैसे किसी देश का संविधान है। जो भी राष्ट्र थे, राष्ट्र में छोटे छोटे राष्ट्र थे, छोटे छोटे राज्य थे, हर राज्य का अपना विधान होता था, उसके अनुसार वहाँ पर निर्णय दिए जाते थे। तो समय और सिचुएशन के आधार पर विधान बनता था, उसी विधान के आधार पर मनुष्यों का कर्तव्य निर्धारित होता था। इस तरह से उन्होंने यही बताने की चेष्टा की है कि आप कर्म करिए, और ऐसे कर्म करिए कि जिसे आप समझते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे ये परिणाम चाहिए, इसलिए कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये उनके कहने का मतलब था। इसीलिए मनुष्य को ये नहीं चाहिए कि वो कर्म के फल के वशीभूत होकर के कर्म करे, लेकिन ये ज़रूर जान ले कि हर कर्म का परिणाम होगा। जो भी कर्म करेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उसे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कर्म का परिणाम अच्छा बुरा नहीं होता। कर्म का परिणाम होता है, मनुष्य उसे अच्छा या बुरा समझता है, क्योंकि जो वो चाहता है वो हो गया तो वो समझेगा कि अच्छा हो गया, जो वो नहीं चाहता है वो हो गया तो समझेगा बुरा हो गया। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाता है कि जिसने, उस व्यक्ति ने जो किया है, परिणाम उसी का है। और जब वो इस चीज़ को जान जाएगा तब उसके ये परिणाम उसे न तो दुखी करेंगे और न ही उस परिणाम से बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाएगा।